नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव के बारे में। बिहार में पिछले दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई थी, जिसके बाद से बाढ़ में लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो नगर निकाय चुनाव में अभी भी देर होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि वर्तमान में जारी निकाय चुनाव यानी कि निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि इसके बाद निकाय प्रतिनिधियों की शक्ति अब अधिकारियों के पास जाने वाली है। ऐसे में अगर निकाय में कोई भी कार्य होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी या फिर कह लें कि उसकी जवाबदेही जो है अधिकारियों की होगी और उन्हीं की देख रेख में सारे कार्य किए जाएंगे। वर्तमान की स्थिति को अगर हम देखें या फिर उस पर हम बात करें तो फिलहाल राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। बता दें कि प्रदेश में वार्डों का गठन होना है सही समय पर। वार्डों का गठन अगर नहीं होता है तो निकाय चुनाव में देरी होने की पूरी संभावना है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक 74 नगर निकायों का गठन हुआ है, जबकि प्रदेश में 81 नगर निकायों का गठन होना है। बता दें कि इन सभी वार्डों का गठन 30 मई तक पूरी करने की बात कही गई है। साथ ही साथ आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन वार्डों का गठन किया जा चुका है उन वार्डों में मतदाता सूची का कार्य आगे बढ़ाने की बात कही गई है। बता दें कि आयोग की तरफ से यह भी कहा गया है कि 81 नगर निकायों के छोड़कर बाकी बचे हुए वार्डों में मतदाता सूची का कार्य आगे किया जा सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 23 जून को इसका अंतिम प्रकाशन किया जाना है। तो एक तरह से कह लें कि ये सब कुछ जो पूरी प्रक्रिया है वो 23 जून तक अटकी यानी कि आगे बढ़ेगी और 9 जून को जो है जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो वार्ड पूरी तरह से खाली हो जाएंगे, बिना जनप्रतिनिधि का होगा तो ऐसे में उसका जो अधिकार है वो अधिकारियों के पास चला जाएगा, उनकी देखरेख में सारे कार्य होंगे। नगर निकाय चुनाव के बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कोर्ट की तरफ से यह बताया गया है कि चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के आरक्षण का अनुपात तय करना होगा। सरकार ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण चुनाव में देर होने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव में मेयर और उप मेयर के साथ साथ सभापति और उप सभापति का भी चुनाव जो है आम जनता के मत के आधार पर होना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जनसंख्या के आधार पर वार्डों का पहले गठन होगा, उसके बाद मतदाता सूची का जो है वो तैयारी किया जाएगा, जो कि वर्तमान में किया जा रहा है। साथ ही साथ बूथों का गठन होगा। इतना ही नहीं, चुनाव के लिए सीटों में पिछड़े वर्ग के विभिन्न जातियों के लिए आरक्षण तय करने की भी बात कही गई है, वो भी चुनावी प्रक्रिया के साथ साथ। इन सब चीज़ों में भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि इसका पालन करना होगा। बता दें कि प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को 20% आरक्षण मिल रहा है, जिसका कि आगे पालन करना है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि पिछड़े वर्ग की उपजातियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। इधर निकाय चुनाव की आशंका को लेकर बोलते हुए वार्ड प्रतिनिधियों ने, यानी कि जो चुनाव में अभी वर्तमान में जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी कि 9 जून से पहले ही आयोग जो है इन सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा कर ले। लेकिन जनप्रतिनिधियों यानी कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं और वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है उनकी इच्छाएँ जो है इस बार पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में विभाग पर उन्होंने आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कहा कि चुनाव तय समय पर नहीं होने का एक बड़ा कारण है कि जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि आयोग की तरफ से अगर काम सही समय पर किया गया होता तो इस समय देर नहीं होती। बता दें कि इससे पहले बिहार में हुए पंचायत चुनाव में भी चुनाव में देरी हुई थी। उस समय प्रदेश में कोरोना का संकट था, जिसके कारण जो है चुनाव में देरी के मामले सामने आए थे। ऐसे में अब नगर निकाय के का चुनाव आया है और ऐसे में बाढ़ के गठन का मामला जो है वो अटका पड़ा है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव में आगे कुछ महीने के लिए और टल सकता है। हालांकि यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल अगर समाप्त होता है तो इसकी जिम्मेवारी अधिकारियों को दी जाएगी। ऐसे में अब देखना है कि नगर निकाय का चुनाव कब होता है और जनप्रतिनिधि और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे थे वो एक बार फिर से शांत हो गए हैं। ऐसे में अब उनकी उम्मीद यही है वो जल्द से जल्द वे जितने भी कार्य हैं जो कि नगर निकाय चुनाव को करने में देरी हो रही है उन सबको पूरा किया जा सके और एक बार फिर से नगर निकाय का चुनाव हो सके। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।